आम आदमी पार्टी सरकार तो हमेशा से यही मानती आ रही थी कि जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार देशद्रोही नहीं है, लेकिन अब दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है। दरअसल फरवरी 2016 में जेएनयू के कैंपस में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। उस दौरान कथित रूप से देश विरोधी नारे लगाए गए थे। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे देश में कन्हैया को लेकर अलग ही बहस छिड़ गई थी। कन्हैया और अन्य 9 लोगों पर कार्यक्रम में शामिल होने और देश विरोधी नारा लगाने का आरोप लगा। इस बात को लेकर देश भर में हंगामा भी मचा। उस घटना के बाद जेएनयू छात्र संघ के तत्कालीन अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अब दिल्ली सरकार के गृह विभाग के तैयार किए गए नोट में माना गया है कि जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में ये साबित नहीं हो पाया है कि कार्यक्रम में नारे कन्हैया कुमार ने ही लगाए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि ये दो छात्र राजनीतिक गुटों का मामला था, दोनों ने एक दूसरे को उकसाने के लिए नारेबाजी की थी। उस वक्त जो नारे वहां लगाए गए थे वो कन्हैया कुमार ने लगाए, ये बात कहीं से साबित नहीं हो सकी है। इस रिपोर्ट को उस कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा जहां मामले की सुनवाई हो रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस को भी इस मामले पर दिल्ली सरकार के रुख से अवगत कराया जाएगा। अब ये रिपोर्ट सामने आने के बाद कन्हैया कुमार को कुछ राहत जरूर मिली होगी, क्योंकि लंबे समय से वो देशद्रोह के आरोप का सामना कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।